हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन बीएसएफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे द चैप्टर इज कंटिन्यू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड द टॉपिक इज पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हम ये जानना होगा कि व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस। इट इज द एनालिसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज आर ट्रेट्स इन ए पार्टिकुलर फैमिली। किसी पार्टिकुलर फैमिली में जब हम किसी डिजीज की स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वह डिजीज या वह ट्रेट्स किसी पार्टिकुलर फैमिली में कैसे कैसे ट्रांसमिट हुआ है, इसको कहते हैं क्या हम पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं इसमें पेडिग्री एनालिसिस में। पेडिग्री, व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में का सेंस क्या है। पेडिग्री एनालिसिस इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ वे ट्रेट्स इज पास फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसी चीज को हमें सबसे पहले जानना है। जैसे इसके पहले हम इसमें देखे हैं PEDI है, ई नहीं है वहाँ पर, PEDI पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ पर देखेंगे कि यह शो करता है पेरेंट्स को, अब इसके कितने ऑफस्प्रिंग हुए, तो ऑफस्प्रिंग मतलब कितने उसके यंग वंस हुए, तो 1, 2, 3, 4 हुए हैं। फिर यह शो करता है मैटिंग को, ठीक है, तो और यह जो है जो हाफ है मतलब पूरी तरह से कैरियर के फार में है, मीन्स पूरी तरह से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यह कैसे कैसे या किस जनरेशन में और फिर इस जनरेशन में आया, यह फर्स्ट जनरेशन हो गया पेरेंट का, यह सेकेंड जनरेशन हो गया, ये जो है थर्ड जनरेशन हो गया और ये फोर्थ जनरेशन हो गया। ठीक है, तो जेनेटिक काउंसलर्स वुड फाइंड आउट अबाउट योर फैमिली हिस्ट्री एंड मेक दिस चार्ट टू एनालाइज, सो इट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इट इज द एनालिसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रेट्स आर डिजीज इन ए फैमिली। दिस एनालिसिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इट इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन इन योर NCERT बुक्स, बट इन शॉर्ट में दिया हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द स्टडिंग द ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज। दिस डायग्राम्स मेक इट ईजियर टू विजुलाइज, जो इसके थ्रू जो डायग्राम बनाए जाते हैं तो उसे हमें पता चलता है कि किस जनरेशन में वो किसको अफेक्ट किया है, मेल को अफेक्ट किया है कि फीमेल को अफेक्ट किया है कि अनअफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर दिया कि पार्टिकुलरली लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज पेडिग्री आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम जान सकते हैं या जेनेटिक डिजीज को हम जान सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ बात आती है कि पेडिग्री, व्हाई डू पेडिग्री, पेडिग्री क्यों। तो पनेट स्क्वायर्स और या चाइल्ड स्क्वायर टेस्ट जो होते हैं वर्क वेल फॉर द ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई मेंडल ने दिया था पनेट स्क्वायर के थ्रू समझाया था, और पनेट साइंटिस्ट ने पनेट स्क्वायर बनाया था, उन्हीं के नेम पर है वह, हम मेंडल साहब में पढ़ चुके हैं कि ऑफस्प्रिंग एंड कंट्रोल मैटिंग, बट ह्यूमंस आर क्वाइट डिफरेंट। प्लांट के बारे में स्टडी कर सकते हैं अदर एंड, लेकिन ह्यूमन उससे क्या है, डिफरेंट है। स्मॉल फैमिलीज, पहला फर्स्ट ये है कि स्मॉल फैमिलीज इवन लार्ज ह्यूमन फैमिलीज हैव टू 20 और फ्यूअर चिल्ड्रंस। सेकेंड है अनकंट्रोल्ड मैटिंग, और ह्यूमन क्यों डिफरेंट है, तो स्मॉल फैमिली पहला हो गया, इवन लार्ज ह्यूमन फैमिली होगा हैव टू 20 और फ्यूअर चिल्ड्रन। दूसरा ये सेकेंड ये दिया कि अनकंट्रोल्ड मैटिंग होता है, ऑफन विद द हेट्रोजाइगोट्स भी होते हैं। और तीसरा यह, थर्ड है कि फेल्योर ऑफ ट्रुथफुली आइडेंटिफाई पेरेंटेज, और पेरेंटेज के बारे में भी क्या ट्रुथफुली आइडेंटिफाई, इसको हम अलग से पढ़ेंगे मॉलिकुलर जेनेटिक्स में, DNA फिंगर प्रिंट में। ठीक है, तो ये इसलिए पेडिग्री की रिक्वायर्ड होती है ह्यूमन के लिए। अब इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे अगर केवल स्क्वायर अगर बना हुआ है ऐसे स्क्वायर शेप का, यहाँ पर सिंबल शो नहीं हुआ है, स्क्वायर अगर बना हुआ है केवल, तो स्क्वायर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मेल है और अनअफेक्टेड है। लेकिन स्क्वायर अगर कलर्ड है, स्क्वायर कलर्ड है तो इसका मतलब क्या, अफेक्टेड मेल। ठीक है, उसी तरह से फीमेल का है, अगर केवल सर्किल बना हुआ है तो फीमेल अनअफेक्टेड, ऑलरेडी गिवन इन NCERT बुक्स, उस पेज पर दिया हुआ है। और यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल जो कलर कर दिया जाता है अफेक्टेड, अगर इस तरह से सिंबल बना है स्क्वायर ये इस शेप में, तो यह शो करता है अननोन शेप,
और इस तरह से अगर इसी को करके इसे क्रॉस कर दिया गया है तो डेड को शो करता है, ठीक है, मैटिंग को शो करता है, ठीक है, मेल और फीमेल को, ठीक है। ऑफस्प्रिंग एरो जो होता है ऊपर पेरेंट और बिलो ऑफस्प्रिंग। अब कैटेगरी ऑफ इनहेरिटेंसेस का क्या है, ऑटोसोमल मीन्स इनहेरिटेड ऑन क्रोमोसोम्स 1 to 22, वाइल द सेक्स लिंक्ड मीन्स द इनहेरिटेड ऑन देयर आइदर एक्स आर वाई क्रोमोसोम। ऑटोसोमल रिसेसिव में आते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया, अभी आगे जस्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, PKU, टेल सेस डिजीज, एल्बिनिज्म जिसमें पूरे बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, तो ये सब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हटिंगसन डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, मीनिंग दिस एलिस इज फाउंड ऑन ओनली एक्स क्रोमोसोम, जैसे कि हम देख सकते हैं हीमोफीलिया में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जैसे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आते हैं, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर होगा मीनिंग दिस एलिस इज फाउंड ऑन द एक्स क्रोमोसोम और डोमिनेंट होगा, कैन बी इन मेल्स और फीमेल दोनों में से किसी को हो सकता है, इसका आता है हाइपोफॉस्फोटेमिया, एक डिसऑर्डर है। और वाई लिंक्ड मीन्स ये 4 टाइप्स के हो गए, यहाँ से ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड मीनिंग द एलील्स इज फाउंड ऑन द वाई क्रोमसोम एंड कैन ओनली बी इन मेल्स बिकॉज वाई इज द क्रोमसोम्स ऑफ मेल। अब ऑटोसोमल रिसेसिव देख लेंगे, पेडिग्री इसकी क्या है, कि जैसे ट्रेट इज रेयर इन पेडिग्री, जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है रेयर होता है, यानी कभी कभी दिखाई देता है अगले जनरेशन में, पेरेंट में नहीं है लेकिन रिसेसिव है। देखो जो डोमिनेंट होगा वो ऑलरेडी पेरेंट में होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में फर्स्ट जनरेशन में ही दिखाई देगा, वो डोमिनेंट ट्रेट्स होता है। रिसेसिव होगा पेरेंट में नहीं होगा लेकिन उसके अगले जनरेशन में दिखाई देगा, जैसे कि ट्रेट्स ऑफन स्किप्स द जनरेशन, हिडन रहता है वो, हिडन इन हेटरोजाइगस कैरियर्स, कैरियर के फार्म में होगा, पहले जनरेशन में दिखाई दिया मेल में, पेरेंट में है ही नहीं लेकिन मेल में दिखाई दे दिया, फिर उसके अगले फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड जनरेशन में यहाँ पर दिखाई दे दिया है। इसका मतलब किस तरह का डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। पॉसिबल डिजीज जो इंक्लूड द सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बताएं कि एनीमिया जो हीमोग्लोबिन का शेप होता है वो चेंज हो जाता है, और फेनिलकीटोन्यूरिया, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। टाइस ऐसे डिजीज, ठीक है, कुछ इस तरह के डिसऑर्डर हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के फार्म में आते हैं। अब आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, ट्रेट इज कॉमन इन द पेडिग्री एंड ट्रेट इज फाउंड इन एवरी जनरेशन, अफेक्टेड इंडिविजुअल आल्सो ट्रांसमिट द ट्रेट टू अबाउट हाफ ऑफ देयर चिल्ड्रेन रिगार्डलेस ऑफ द, अब देखो यहाँ पेरेंट्स में है लेकिन पेरेंट में फीमेल को अफेक्टेड किया हुआ है, या फोन मैंने पहले जनरेशन में आया, ये फर्स्ट पेरेंट हो गया या पहला जनरेशन हो गया दूसरा जनरेशन हो गया, या फोन F2 भी कह सकते हैं, और यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों अफेक्टेड हुए, यानी डोमिनेंट है ये। हम पहले बताएं कि जो डोमिनेंट होगा वो पेरेंट में भी होगा और जस्ट उसके पहले या फोन जनरेशन में भी दिखाई देगा, और फिर यहाँ पर थर्ड जनरेशन में सेकेंड जनरेशन यानी F2 में भी दिखाई दिया है दो मेल में, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। चार्ट के थ्रू हम किसी भी डिजीज की इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, एग्जाम में यही दे देता है, इस तरह से एक डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस इन दिस डायग्राम, ठीक है, हाउ द ट्रेट्स इज पास्ड, कैसे पास हो रहा है, ठीक है। दे आर द फ्यू ऑटोसोमल डोमिनेंट ह्यूमन डिजीज बट सम आर रेयर ट्रेट्स हैव दिस इनहेरिटेड पैटर्न, एग्जाम्पल जैसे कुछ इसमें रेयर डिसऑर्डर आते हैं, यहाँ पर दिया है एकोनोड्रोप्लेसिया, ए स्केल्टन डिसऑर्डर होता है काजिंग द ड्वार्फिज्म, जिसके वजह से ड्वार्फिज्म आता है। वाई लिंक्ड में आते हैं, ट्रेट्स ऑन द वाई क्रोमोसोम्स आर ओनली फाउंड इन द मेल्स नेवर इन फीमेल्स, देखो केवल वाई पर होगा फीमेल्स में नहीं होगा, ठीक है, फीमेल को अफेक्टेड नहीं करता है। फादर ट्रेट्स आर पास टू ऑल सन्स, और फादर में चूंकि वाई है तो जितने उसके सन्स होंगे सबको अफेक्टेड करेगा वह, और डोमिनेंस इज रिवेलेंस, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ ईच वाई लिंक्ड जीन, ठीक है, हेमिजाइगस होता है। रियल लाइफ में क्या है, पेडिग्री एनालिसिस इन रियल लाइफ में, कि डोमिनेंट ट्रेट्स में बी रेयर इन ए पॉपुलेशन बट रिसेसिव ट्रेट्स में बी बिकम इन ए पॉपुलेशन, रिसेसिव हमेशा रहता है लेकिन डोमिनेंट बहुत रेयर होता है।
रिसेसिव जनरेशन टू जनरेशन जाता रहता है, किसी में एक्सप्रेस्ड हो गया, और म्यूटेशन हायर एलील्स में कम इनटू द पेडिग्री फ्रॉम टू सोर्सेस. म्यूटेशंस हैपेंस, म्यूटेशन भी होता है, बताया भी ऑलरेडी. ऑफन ट्रेट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स अफेक्टेड बाई द इन्वायरमेंट एंड अदर जीन्स. म्यूटेशन का काजेज भी बताए, म्यूटेशन का पूरा डिटेल भी पढ़े हैं. म्यूटेशन में पढ़े हैं पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. वहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसको कहते हैं म्यूटाजेंस, वो भी अफेक्ट करते हैं. हम उसको पेडिग्री में भी उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं. सबसे पहला एग्जांपल है कि एक डायग्राम यहाँ पर देखो दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है कि इज इट ऑटोसोमल आर यक्स लिंक्ड. यह ऑटोसोमल है कि यक्स लिंक्ड है? ऑटोसोमल है कि यक्स लिंक्ड है? तो मेल को अफेक्टेड किया हुआ है. ठीक है, तो वैसे भी यक्स लिंक्ड तो हम पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है ऑटोसोम, ये डायग्राम में यहाँ पर एक मेल का है और यहाँ पर एक फीमेल्स का है. यह मेल और फीमेल के नीचे मैटिंग को दिखाता है. यह मेल और फीमेल की मैटिंग, एक में जो है मेल में है, एक में फीमेल्स में है. यह नीचे मैटिंग को शो करता है, लाइन, ये लाइन मैटिंग को शो करती है. और यह शो करता है कि यह पेरेंट एबव चाइल्ड बिलो, और इसके थ्री चाइल्ड्स हैं जिसमें एक जो है मेल चाइल्ड है और दो फीमेल चाइल्ड है जिसे फीमेल अफेक्टेड है. ठीक है, और यहाँ पर इसके भी दो मेल हैं जिसमें एक मेल अफेक्टेड है, साथ साथ फीमेल अफेक्टेड है. फिर यहाँ पर मैटिंग को शो कर रहा है. फिर इसके तीन चिल्ड्रंस हैं जिसमें दो मेल हैं जिसमें एक मेल अफेक्टेड है और एक फीमेल और एक मेल अनअफेक्टेड है. तो अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, पूछता है कि इट इज ए ऑटोसोमल आर यक्स लिंक्ड. इसका आंसर क्या होगा? ऑटोसोमल, ऑटोसोम्स पर प्रेजेंस है या सेक्स लिंक्ड या यक्स लिंक्ड नहीं है. ठीक है, इसका रीजन ये दिया कि इसमें फीमेल्स अफेक्टेड है, मेल के साथ फीमेल है, इसलिए क्या है ऑटोसोमल है. अगर यक्स लिंक्ड रहता तो मेल्स में होता, यक्स लिंक्ड रहता तो फीमेल्स में होता, और मेल अफेक्टेड होता है फीमेल कैरियर के फॉर्म में होते जैसे हीमोफीलिया में होता है, और वाई लिंक्ड होता है तो वह मेल को अफेक्टेड करता. लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को अफेक्टेड किया हुआ है. इसका मतलब यह क्या है, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. इस पेडिग्री चार्ट से हमें पता चलता है. इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल है कि इसमें डोमिनेंट है कि रिसेसिव है. तो पहले बता दीजिए डोमिनेंट होगा वो पेरेंट में दिखाई देगा, दोनों पेरेंट में है, इसमें भी है इसमें भी है. यहाँ से दिखाई दिया तो तुरंत जो है फीमेल को अफेक्टेड किया है, यहाँ पर भी दो को अफेक्टेड किया हुआ है, इसलिए यह क्या है आंसर इसका जो दिया हुआ है वो दिया है क्या कि यह एक डोमिनेंट ट्रेट्स है. तो स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि पेडिग्री क्या है. ठीक है, व्हाट इज द पेडिग्री, और पेडिग्री के साथ साथ पेडिग्री एनालिसिस क्या है. पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है क्या, इट इज ए एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट्स इन ए पार्टिकुलर फैमिली. तो डायग्राम एग्जाम में पूछ देते हैं, उसमें पूछते हैं, तो सबसे मेन चीज़ होता है कि वह डोमिनेंट है कि रिसेसिव. एक चीज़ बता देते हैं जो क्लियरली, डोमिनेंट अगर होगा तो पेरेंट में होगा, जस्ट उसके ऑफिसरिंग में दिखाई देगा, चाहे मेल में हो या फीमेल्स में. लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट्स होगा तो पेरेंट में कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी जनरेशन में दिखाई हुआ देगा, तो वह क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट्स होगा. उसके अलावा यक्स लिंक्ड होते हैं और वाई लिंक्ड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम. ओके.